जी बताइएगा कराची में जो ये कॉन्सुलेट में हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या राय जी देना देखें, चाहते हैं? सबसे पहले तो ये लोग मसलसल सुहाई अजीज़ तालपुर की जो तारीफ कर रहे हैं, चलें वो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी जगह पे है, मगर मुझे ये बताएं कि वहाँ जो आधा घंटा जिस गार्ड ने उन दहशत गर्दों को रोके रखा, उसका क्या नाम है? उस हीरो को कौम जानती है? उस कौम को हीरो जानना चाहती है? क्यों नहीं बताया कि वो हीरो कौन है, उसका नाम क्या है? दूसरा ये बताएं, वो बाहर निशानेबाज जिसने दूर से फायर करके दहशत गर्दों को मारा, मुझे बताएं वो जो मेरा कौमी हीरो है उसका नाम क्यों नहीं बताया गया? उसका नाम तो बताएं, क्यों कौम से चीज़ें छुपाई जाती हैं? ये हीरो हैं, वो जो दो शहदा जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए हैं, मुझे बताएं यार कौम को उनके नाम क्यों नहीं पता? वो हीरो हैं, उनका नाम क्यों नहीं बताया गया? पब्लिक से पूछे कि आपको पता है? अब आ जाएं जो जो हैं वहाँ SP जो गई सुहाई अजीज़ तालपुर, क्या बहुत बड़ा सवाल निशान है पुलिस डिपार्टमेंट पे कि लाइफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी? नहीं, आप तस्वीर देखें, मैं सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा आप तस्वीर देखिएगा, अगर ये गलती किसी कांस्टेबल ने की होती और उसने लाइफ जैकेट ना पहनी होती तो वो तो नौकरी से फारिग था। अब वो जो मैडम हैं जो वहाँ मौके पे चली जाती हैं और उन्होंने देखा लाइफ जैकेट ही नहीं पहन रखी, क्या ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं? ये क्यों नहीं पूछा गया अफसरान ने बाला से, क्यों नहीं पूछा कि भाई खुदा नास्ता तुम भी हमारी बेटी हो, कौम की हीरो हो, ठीक है, मगर जब पिस्टल लेके आप अंदर जा रही हैं तो आपके जिस्म पे आपकी वर्दी पे लाइफ जैकेट नहीं है। मेरा ये सवाल है नसीम सादक ALP चेयरमैन का सवाल है, ये मेरा कराची पुलिस से, पाकिस्तान पुलिस से, मुझे ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान से जिंदाबाद।